बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू यूनिट नंबर 3, पेज नंबर 21। मैच द टर्म ऑन द राइट साइड विद द डेफिनेशंस ऑन द लेफ्ट साइड। इसमें हम राइट साइड के टर्म्स को लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट डेफिनेशंस के साथ मैच करेंगे। नाउ फर्स्ट इज अ सब्सटेंस डेट टर्न सनलाइट इन टू अ फॉर्म डेट कैन बी यूज टू हेल्प मेक फूड। वो सब्सटेंस जो सनलाइट को एक ऐसी फॉर्म में तब्दील कर देता है जो प्लांट की फूड बनाने में हेल्प करती है। जी, उस सब्सटेंस का नेम क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो सब्सटेंस है जो सनलाइट को एक ऐसी फॉर्म में चेंज करता है जो प्लांट के लिए फूड बनाने में हेल्प करती है। सेकेंड नंबर इज आ टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस बाय प्लांट। शुगर की वो टाइप जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहते हैं? सो डेट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज एक शुगर की टाइप है जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ थर्ड वन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ऑन फूड। वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट अपनी खुराक खुद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपनी फूड खुद बनाते हैं। फोर्थ इज अ केमिकल डेट प्लांट टेक इन फ्रॉम द एयर एंड यूज टू मेक फूड। वो कौन सा केमिकल है जो प्लांट टेक इन करते हैं एयर से फूड बनाने के लिए? सो दिस केमिकल इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एयर से लेते हैं ताकि ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना सकें। नाउ लास्ट वन इज अ गैस डेट प्लांट्स गिव आउट एंड डेट ह्यूमन ब्रीथ। वो गैस कौन सी है जो प्लांट गिव आउट करते हैं और ह्यूमंस उसे यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए और सांस लेने के लिए? दिस गैस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो गैस है जो प्लांट यूज करते हैं ताकि ये ब्रीथ कर सकें, मीन सांस ले सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।